Hello students, how are you? Today I explain you science chapter 6 healthy food. जैसे कि आप सभी जानते हो food हमारे लिए बहुत important है. Food बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो इस chapter में importance क्या है food का और food से हमें क्या क्या मिलता है वो इस chapter में हम सीखेंगे. ये आपका copy work है, इसे आपको copy में करना होगा. इसे First, I explain you this chapter. Food is one of our basic necessities. Food जो है वो हमारी एक basic ज़रूरत है. जैसे कि आप जानते हो, जैसे हवा, पानी जो है वो हमारी basic, उसी साथ ही साथ food जो है वो भी हमारी एक basic necessities है. We all need food to live and grow. Food provide us energy to work and play. हम सभी को जीने के लिए खाना आवश्यक होता है. फूड जो है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम खेल सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं. खाना खाते तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी. एनर्जी मिलती है तभी हम अपना काम कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइट अगेंस्ट अ डिजीज. साथ साथ में ये हमको हेल्प करता है कि हम हेल्दी बने रहते हैं और डिजीज, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी ये देता है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हेल्प अस इन अ डिफरेंट वे. अलग अलग तरह के जो फूड है वो हमें अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं. फूड इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री मेन ग्रुप्स. फूड जो है उन्हें हम तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड. जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, मिल्क, पल्सेस, एग्स, मीट, ये सारे जो फूड है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है. मिल्क, एग, मीट, पल्सेस एक्सेट्रा आर अ बॉडी बिल्डिंग फूड्स. दे हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये इस तरह के फूड है जो हमें हमारे शरीर जो है उसे मजबूत बनाते हैं और हमारी बोन्स हैं, मसल्स जो हैं वो फिट रहती हैं और स्ट्रॉन्ग बनती है. देन है एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स में आता है आपका सुगर, पोटैटो, बटर, राइस, दिस एक्सेट्रा आर द एनर्जी गिविंग फूड्स. इससे हमें एनर्जी मिलती है. दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें एनर्जी किस लिए देते हैं, टू वर्क एंड प्ले. प्रोटेक्टिव फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अ प्रोटेक्टिव फूड्स. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये प्रोटेक्टिव फूड्स हैं जो हमें बचाते हैं किससे, बीमारियों से. इसलिए आपने देखा होगा कि जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि आप फ्रूट्स खाएं. टोमेटो जो है वो भी एक फ्रूट है, नॉट अ वेजिटेबल. इस तरह से आपने देख लिया कि तीन तरह के फूड से हमें हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. नाउ अ वाटर, वाटर जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम फूड वी आल्सो नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे. हमें रोज़ खूब सारा पानी पीना चाहिए. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड. ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में यानी पचने में, पाचन करने में हेल्प करते हैं. इट ऑल्सो क्लीन आर बॉडी बाय थ्रोइंग आउट वेस्टेज फ्रॉम आर बॉडी. साथ साथ में हमारे शरीर में से जो वेस्टेज है उसको निकालने के लिए भी ये हेल्प करते हैं. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. हमको रोज़ कम से कम 8 glass पानी पीना चाहिए. देन है मील्स इन अ डे. जो हम खाना खाते हैं दिन भर में उसे हम मील्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ अस टेक 3 main meals इन अ डे. हम दिन में 3 बार ज़्यादातर खाना खाते हैं. वी टेक दिस मील्स एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि आप सुबह उठते हो तब ब्रेकफास्ट लेते हैं हम. यहाँ देखिए पिक्चर में, ये है फर्स्ट ब्रेकफास्ट, द फर्स्ट मील ऑफ द डे जो हम मॉर्निंग में लेते हैं सुबह उठते हैं. देन है लंच इज द सेकेंड एंड द थर्ड इज़ द डिनर जो हम रात में लेते हैं. समटाइम्स इन बिटवीन दिस मील्स वी ऑल्सो टेक अ स्मॉल मील कॉल अ स्नैक्स. कभी कभी आपने देखा जैसे हम इवनिंग शाम को हम कुछ चाय के साथ बिस्किट इस तरह का लेते हैं जिसे हम स्नैक्स कहते हैं.
सम पीपल ईट ओनली अ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, कुछ जो है वो सिर्फ प्लांट या वेजिटेबल्स, प्लांट्स से मिलने वाले प्रोडक्ट ही लेते हैं, जिन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। सम पीपल ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज मीट एंड एनिमल्स, कुछ जो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट के साथ साथ मीट और दूसरे एनिमल्स को भी लेते हैं एज अ फूड, तो दे आर कॉल्ड अ नॉन वेजिटेरियन। अब है गुड ईटिंग हैबिट्स, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी भी कुछ अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, तो वो क्या है यहाँ देखते हैं। यू शुड फॉलो सम गुड ईटिंग हैबिट टू स्टे हेल्दी। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए। ऑलवेज ईट अ फ्रेश एंड क्लीन फूड, और हमेशा हमें फ्रेश और साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यूइंग योर फूड वेल, हमें कैसे धीरे धीरे खाना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए और चबा कर खाना चाहिए अच्छे से। देन है ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग, हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले या हम बना रहे हैं उससे पहले उसे अच्छे से धोना चाहिए साफ पानी से। डू नॉट टॉक व्हेन यू हैव अ फूड इन योर माउथ, और जब आप खाना खा रहे हो, जब आपके मुंह में खाना हो उस समय आपको बोलना नहीं चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, और अनकवर्ड यानी बिना ढका हुआ हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। ये आपका बुक वर्क है, फिल इन द ब्लैंक है, इसे आपको बुक में करना होगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको यहाँ पीडीएफ में दिए हैं, जिसे आपको कॉपी में करना है। इन क्वेश्चन जो लिए हैं इनके आंसर यहाँ पर है, ये आपका कॉपी वर्क है, इस पूरे को आपको कॉपी में करना है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को आप एक से दो बार ज़रूर देखिए।